नेकचंद जी ने जब रॉक गार्डन बनाया तो इतना खूबसूरत बन गया कि लोगों की इमेजिनेशन में ऐसा नहीं था, खासकर चंडीगढ़ के उस पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके लिए, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जंगल के अंदर, चंडीगढ़ उस पर पहले जंगली था, जंगल से काट के शहर बनाया जा रहा था, और चुपचाप कोई इंसान उसके अंदर एक रॉक गार्डन क्रिएट कर रहा है, ये उनकी नज़रों के अंदर नहीं था, और वो विश्वास भी नहीं कर सकते कि इतनी खूबसूरत कोई चीज़ बन जाएगी। तो जब उन लोगों को पता लगा कि वहाँ जो स्टोर था, वहाँ पे जो हमारे इंस्पेक्टर है वो वहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ बना रहे हैं, तो वो लोग देखने आए तो उन्होंने देखा तो बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत जगह बन गई हुई है, लेकिन ये इलीगल था। ये चंडीगढ़ तो वैसे ही बाय लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, और एक जंगल के अंदर मंगल कर देना ये इलीगल था, तो तोड़ दिया जाना चाहिए था उसको, तो उसको तोड़ना चाहिए था। लेकिन वहाँ उस वक्त एम एस रंधावा थे, एम एस रंधावा जो यहाँ के कमिश्नर थे, वो देखने आए, वो आर्ट के बहुत प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा नहीं तोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें नेक्चर जी कहा आप आगे काम करिए, तो नेक्चर जी ने वो काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी आप सोचिए, जो ऑफिसर्स थे हमारे चंडीगढ़ के, बड़े आईएएस ऑफिसर थे, उनको अभी भी चुप रहा था कि मैन, दिस मैन हैज टेकन इम्पोर्टेंस, ये तो इम्पोर्टेंट आदमी बन गया, ये कैसे हो सकता है। तो नेचर जी एक्सपैंड कर रहे थे रॉक गार्डन को, करते 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 ना 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़, 15 एकड़ ऐसे बढ़ रहा था। तो ये जो द्वार बाहर की मेन वॉल है, तो यहाँ से ये एक रोड निकालना चाहते थे हाई कोर्ट के लिए, और नेचर जी रिजिस्ट कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ मैंने पेड़ लगा रखे हैं और यहाँ पे मैंने मेरी दीवार है रॉक गार्डन की, हाई कोर्ट की गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, वो हटके बन सकती है रोड। लेकिन वो नहीं माना, वो बुलडोजर लेके आ गए। तो चंडीगढ़ के लोगों ने 6,000 उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के इसके आसपास घेरा बना दिया, राइट, और कि इसको तोड़ा नहीं जाएगा, एंड बुलडोजर वेंट बैक। तो एक बहुत बड़ी नेकचंद जी की जीत थी, उससे नेकचंद जी को बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ मिल गई, या सारे लोग तो मेरे साथ हैं, और इनकी एज इट इज प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना, इनको पद्मश्री मिला नेकचंद जी को, दुनिया भर के अवार्ड मिले इनको। पद्मश्री मिला उनको, और फ्रांस का एक मेडल था, सबसे पहले वो मिला था फ्रांस का, पेरिस में। नेकचंद जी को पहला अवार्ड मिला था फ्रांस के अंदर, उसके बाद पॉपुलरिटी काफी बढ़ गई दुनिया के अंदर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको पद्मश्री दिया। फ्रांस के जो लोग थे, जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी नेचर जी को प्रमोट किया, कई मैगजीन छपी, कई आर्टिकल्स आए, क्योंकि फ्रांस से का चंडीगढ़ के साथ वैसे ही बहुत प्यार है, क्योंकि चंडीगढ़ जिस आर्किटेक्ट ने बनाया है ली कॉर्बूज़े, वो फ्रेंच और स्विस आर्किटेक्ट था, तो दोनों कंट्री, फ्रेंच एंड स्विट्जरलैंड, दोनों चंडीगढ़ को अपना शहर गिनते हैं। नेकचंद जी की वहाँ से पॉपुलरिटी होते होते चले गए अमेरिका में, तो कोहलर फाउंडेशन अमेरिका में बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आर्टिस्ट को काफ़ी ऑनर किया जाता है, तो नेकचंद जी की वहाँ एग्जीबिशन लगाई गई, और फिर उसको बाद में उन्होंने उस एग्जीबिशन को अपने म्यूजियम में परमानेंट कर दिया। फिर उनकी एग्जीबिशन वाशिंगटन डीसी में लगी, न्यूयॉर्क में लगी, बाद में इंग्लैंड में, कई बार यूके में, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने और नेकचंद जी को बुलाया, तो वहाँ एक मैगजीन छपती है बहुत मशहूर, रॉ विजन, वो डेडिकेटेड है सिर्फ आर्टिस्ट को वर्ल्ड वाइड, वो आर्टिस्ट जो रॉ आर्टिस्ट है, सेल्फ टॉट, ठीक है ना, उन आर्टिस्ट के ऊपर है। जॉन मेजल उसके चलाने वाले हैं, तो जॉन मेजल इंडिया ट्रेवल करके आए, वो नेकचंद से मिले, उन्होंने नेकचंद जी को मैगजीन में काफ़ी पिक्चर्स डाली, और उसके बाद तो मेरे ख्याल उनके कम से कम उनकी 20-25 जो पब्लिकेशन होंगी इसमें नेकचंद जी आते रहे हैं, कम से कम हमारे पास काफ़ी कम उनकी कलेक्शन है। तो उन्होंने बहुत प्रमोट किया, उन्होंने वहाँ एक नेचर फाउंडेशन बना दी अमेरिका के अंदर, वो नेचर फाउंडेशन का काम था नेकचंद जी के आर्ट को प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड। उसके बाद वही नेकचंद फाउंडेशन उन्होंने अमेरिका में बनाई गई, वहाँ मिस्टर टोनी रेजर की डेथ हो गई, अब फिर ऐसे ही वो नेचर फाउंडेशन फ्रांस में बनाई, मिस्टर लेस्पिनाज़े एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, वो चलाने लग गए, तो काफ़ी पॉपुलरिटी मिली। उसके बाद ये एग्जीबिशन लगती गई, स्विट्जरलैंड में लुजान के अंदर एग्जीबिशन लगी, तो सारी फैमिली गई थी, अनुजी, उनकी मदर और नेकचंद जी, दो बारी लगी वहाँ पे।
फिर नेचर की एग्जीबिशन हॉलैंड में लगी। हॉलैंड के एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे, बहुत मशहूर थे, वो इंडिया में स्पेशली ट्रेवल करके आए। आई थिंक ही वाज 82 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जी। एंड मिस्टर वैन डीन अपने साथ एक ग्रुप लेके आए, उनके साथ एक आर्किटेक्ट था और फोटोग्राफर्स थे। उसने नेचर की एग्जीबिशन लगवाई हॉलैंड के अंदर। उसके बाद चंडीगढ़ आफ्टर 40 इयर्स ऑफ ली कॉर्पस एग्जीबिशन लगी थी एक निक चंदी में। चंडीगढ़ में ली कॉर्पस के 40 साल के बाद चंडीगढ़ में कैसा शहर है, अभी कितना खूबसूरत, कितना बढ़ गया। उसके अंदर रॉक गार्डन बड़ा प्रोमिनेंटली उसने दिया कि रॉक गार्डन वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ ली कॉर्पस प्लान, ये उसके अगेंस्ट गया बिल्कुल। और इतना पॉपुलर हुआ है तो इसको उन्होंने बड़ा प्रोमिनेंटली वहां प्रोजेक्ट किया। वहां उसके ऊपर वहां पे बुक्स प्रिंट की गई, चंडीगढ़ आफ्टर 40 इयर्स ऑफ ली कॉर्बूज़े, वो बुक है हमारे पास। बहुत बड़ी बड़ी उसमें पिक्चर्स दी, नेचर की स्टोरी दी गई, उसको उनकी हिस्ट्री लिखी गई उसके अंदर, और काफी ऑनर किया निकचंद जी को। तो निकचंद जी की एग्जीबिशन हाउस ऑफ वर्ल्ड कल्चर बर्लिन में लगी काफी, और निकचंद जी वहां एक महीना रहे अपनी फैमिली के साथ, और जर्मनी के काफी लोग वहां आते थे, उन्होंने वहां पे निकचंद जी के ऊपर काफी पब्लिकेशन भी निकाली। उसके बाद निकचंद जी काफी एग्जीबिशन यूके में लगती रही है, और लास्ट एग्जीबिशन नेकचंद जी की हमने 2015 में वो अनुजी और मैंने अटेंड की, हाउस ऑफ सॉरी आर्किटेक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है आर्किटेक्चर की, वेनिस इटली के अंदर। उसमें काफ़ी स्कल्पचर्स वगैरह चंडीगढ़ से बनवा के यहाँ से रॉक गार्डन से अनुजी लेके गए साथ में दोनों, और वहाँ पर एग्जीबिशन लगाई 15 दिन में। एग्जीबिशन लोगों ने देखी आके, और थाउजेंड ऑफ पीपल केम, वर्ल्ड वाइड आर्किटेक्ट आए। तो नेकचंद जी काफ़ी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड में है, और जितने लोग वहाँ बाहर पूछते हैं वो उनको ये पता लगता है कि ली कॉर्बूज़े का जो सिटी बनाया गया चंडीगढ़, ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल प्लान्ड, उस सिटी में ये वो नेचर का रॉक गार्डन जो मोस्ट अनप्लान्ड है। इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई, नेचर ने कभी कोई ड्राइंग्स नहीं बनाई थी, उन्होंने कभी ड्राइंग सबमिट भी नहीं की कि ये ड्राइंग मैं बना रहा हूँ, तो मुझे सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, क्या चाहिए। इट वॉज ऑल अनप्लान्ड, उनका अपने दिमाग का एक आइडिया होता था, अपने माइंड से बनाते थे जो बनाते थे। आर्टिस्ट यही काम करता, उसका अपना माइंड होता है, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा बनाना है। तो निकचंद की एग्जीबिशन वर्ल्ड वाइड चलती रही है, और कई जगह परमानेंट एग्जीबिशन है उनकी। इंग्लैंड के अंदर परमानेंट है उनकी एग्जीबिशन, अमेरिका के अंदर आपको बताया मैंने परमानेंट एग्जीबिशन है, सर्बिया के अंदर उनकी एग्जीबिशन निकचंद जी के बाद अनुजी दो बार अटेंड करके आए हैं वहाँ म्यूजियम में, वहाँ परमानेंट एग्जीबिशन लगी हुई है निकचंद जी के स्कल्पचर्स की। स्कल्पचर यहाँ से गए हैं, वहाँ पर डिस्प्ले किए गए वर्ल्ड वाइड। हाँ, निकचंद जी एग्जीबिशन इटली में लगी, उनकी एग्जीबिशन मिलानो के अंदर, रोम में लगी, मिलानो में लगी, निकचंद जी एग्जीबिशन ब्रसल्स बेल्जियम में लगी, और पेरिस में दो तीन बारी लगी, आपको हॉलैंड में बता चुका हूँ एग्जीबिशन की लगी। तो वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन लगी है उनकी। बाकी इंडिया के अंदर अगर आप पूछो तो इंडिया के अंदर तो निकचंद जी को इन्विटेशन आए कि हमारे लिए रॉक गार्डन बनाया जाए, तो निकचंद जी ने केरला में अपना एक रॉक गार्डन बना के दिया, केरला में बनाया, और उसके बाद यहाँ नंगल डैम है सुंदर नगर तलवाड़ा में, छोटा सा रॉक गार्डन बनाया। अगर आप शिमला जाओ तो वहाँ माल रोड पे निकचंद जी के बहुत स्कल्पचर लगे हुए हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे कई जगह बनाए गए हैं।